खवातीनों हजरात, जो लोग हुंजा से पुंजरा पास तक की रोड और रास्ते में आने वाले हसीन मनाजर देखना चाहते हैं और चाइना बॉर्डर पुंजरा पास देखना चाहते हैं, और ये वीडियो उनके लिए है। हाथ में कुछ खाने के लिए पकड़ लें, सारे काम शाम ख़त्म कर लें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और मैं आपको हुंजा से पुंजरा पास तक का सफ़र करवाने लगा हूँ आपके फ़ोन में। और रास्ते में आने वाले कुदरत के दिल फरेब और दिलकश नज़ारे खुद भी इंजॉय करूँगा और आपको भी करवाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से आज की राइड स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हूँ मैं बसू लेक, जो हुंजा के सामने मेरे इस वक्त बसू लेक है, फेमस तरीन पॉइंट है, और माशाल्लाह इतना कोई मज़े का व्यू है, खूबसूरत व्यू है कि बंदे की सारी थकने से देख उतर जाती है और सुकून इतना मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन्हें कहते हैं जी बसू लेक्स, बसुकोन लेक्स। तो अभी बदकिस्मती से मुझे पेट्रोल फिल करवाना याद नहीं रहा, जैसे ही हम लोग हुंजा से बाहर निकले और मुझे याद आया कि मैंने तो पेट्रोल ही फिल नहीं करवाया हुआ। फिर अल्लाह का नाम लेके थोड़ी सी टेंशन के साथ रास्ते में किसी पेट्रोल पंप के आने की उम्मीद करने लगा। अल्लाह का नाम लेने की देरी ही नहीं थी कि अचानक से पेट्रोल पंप आ गया, और जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पे पहुंचा, आसपास देखा, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था और पेट्रोल पंप बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ था। पेट्रोल पंप बिल्कुल वीरान देख के टेंशन होने लगी और ये ख्याल आने लगा कि पता नहीं आगे कोई पेट्रोल वगैरह मिलेगा या नहीं। ख्याल की अब आमद हो चुकी थी और डर भी लगने लग पड़ा कि पता नहीं आगे पेट्रोल मिलेगा भी या नहीं, और एक ख्याल आ रहा था कि नहीं मिलेगा, एक ख्याल आ रहा था मिलेगा, क्योंकि आगे हम लोग जा रहे थे चाइना बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर के करीब में भी पेट्रोल ना मिलता, इस ख्याल से टेंशन हो रही थी। लेकिन फिर भी हमने अल्लाह का नाम लिया और एक नई उम्मीद के साथ, आगे किसी पेट्रोल पंप की उम्मीद के साथ हम निकल पड़े। बन 5 से 10 मिनट राइड की और नज़र पड़ी कि एक शॉप खुली हुई है। शॉप पे बाइक खड़ी की और इनसे पूछा कि पेट्रोल मिल जाएगा, उन्होंने कहा जी मिल जाएगा। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में खुशी भी होने लगी कि शुक्र है जलील होने से बच गए। रिजर्व पे हैं? नहीं, अब तक नहीं लगाए। उनसे उनसे पहाड़ों को देख के एक तरफ डर भी लग रहा था और दूसरी तरफ ये पहाड़ बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। डर इसलिए लग रहा था कि ये पहाड़ कहीं ऊपर ना आ जाए, लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, क्योंकि इन इलाकों में, इन रास्तों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है और लैंडस्लाइडिंग अक्सर होती रहती है। हुंजा से नाश्ता किए बगैर हम लोगों ने सुबह की राइड स्टार्ट कर दी थी और अब भूख लगने लग पड़ी थी, इसलिए हम लोग रास्ते में एक विलेज रेस्टोरेंट पर खड़े हुए नाश्ता करने के लिए। इर्द गिर्द का व्यू देखें, माशाल्लाह, वो बाइक्स खड़ी कर रहे हैं और ये विलेज रेस्टोरेंट है कोई, यहाँ पे हम लोग बैठने लगे हैं और नाश्ता करने लगे। और अभी हम लोग हुंजराब के रास्ते में और नाश्ता वगैरह नहीं था कि आप इधर से नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ता करके फिर हम लोग जाएंगे हुंजराब पास पे, वहाँ से फिर वापसी पे आपको
अताबाद लेक और हुसैनी ब्रिज, ये सारे पॉइंट घुमाऊँगा। और अभी नाश्ते के वेट में बैठे हैं, अभी तक तो नाश्ता नहीं आ रहा। और इधर का आसपास का व्यू कुछ ऐसे है। विलेज रेस्टोरेंट है ये। इतना कोई पुरसकून माहौल है ना यहाँ का, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ, बहुत काम की बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, यह है खुबानी। अगर आप लोग हाइट पे जाते हैं, अगर बाबूसर टॉप वगैरह, अभी जैसे हम खुंजरा पास जा रहे हैं, वो भी टॉप पे है, बाबूसर से ज़्यादा उसकी हाइट है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है और सांस फूलती है। इसके लिए अगर हम ये खुबानी खाएँ, फौरी तौर पर सांस आपकी एक लेवल पे आ जाती है। चाइना बॉर्डर जाते ये चीज़ आम है कि आपको वक्फे वक्फे से ऐसी टनल से गुजरना पड़ता है। इन टनल्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, लिहाजा इन टनल्स के अंदर रुका ना जाए, बल्कि जितनी जल्दी हो सके इन टनल्स के अंदर से बाहर निकला जाए। अच्छा जी, खुंजराब के रास्ते में इधर खड़े हुए हम लोग, एंट्री करवा रहे हैं। एंट्री करवाएंगे, CNSE लगेंगे हमारे आईडी कार्ड, और एंट्री करवा के फिर हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि ये भी एक सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी भी लाजमी है। यहाँ से एंट्री करवाएंगे, एंट्री करवा के फिर हम लोग आगे जाएंगे। पीछे बाइक्स खड़ी हैं। चाइना बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले ये मुकाम आता है जहाँ पे आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, अपना आईडी कार्ड, और पर पर्सन 250 रुपया इनको देना होता है, और अपनी बाइक का नंबर, अपनी गाड़ी का नंबर यहाँ पे नोट करवाना होता है, और ये एक पास देते हैं जो वापसी पे पास हमें इनको वापस देना होता है। ये हमारी एंट्री होगी। हमने फिर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई और इनसे पास पकड़ा और निकल पड़े खुंजराब की तरफ। खुंजराब पास के रास्ते में आपको ऐसे हसीन मनाजर वक्फे वक्फे से मिलेंगे, और इन मनाजर और कुदरत की ये खूबसूरती देख के आपकी सारी थकन उतर जाती है, और आपको एहसास होने लगता है कि आप कहीं जन्नत के करीब घूम रहे हैं। और मेरी हालत से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सर्दी का क्या आलम है। खूबसूरत मनाजर देख के हम लोग सर्दी भूल चुके थे, बिल्कुल सर्दी भूल चुके थे। फाइनली हम लोग चाइना बॉर्डर खुंजराब पास पे पहुंच गए हैं। ये पीछे बाइक हमारी खड़ी हैं, सारे आ गए हैं। अभी इतना कोई प्यारा व्यू है, इतना कोई अच्छा व्यू है कि मतलब के सारे पैसे पूरे हो गए हैं यहाँ पे आके। मेरे पीछे एक दफ़ा आप व्यू देखें, चाइना जो बॉर्डर है वो थोड़ी आगे है, उधर जाके जो गेट है वो आगे है, उधर आर्मी वाले नहीं जाने दे रहे, पाबंदी अब तो पीछे ही उन लोगों ने खड़ा किया हुआ है। और इतनी ठंडी हवा चल रही है, और दूसरा ये यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही। मेरे पीछे देखें आप, माशाल्लाह इतना कोई अच्छा प्यारा नज़ारा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पैसे पूरे हो गए हैं, ख्वाब था ख्वाब भी पूरा हो गया है। पाकिस्तान के एक कोने से चले थे और दूसरे कोने पे आ पहुँचे हैं, और वो भी पाकिस्तान के एक कोने से, वो भी होंडा 125 पे, और दूसरे कोने पे भी होंडा 125 पे। शौक था एक और ख्वाब था कि पाकिस्तान घुमा जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पे आ गया, और हमने फाइनली पूरा हो गया, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी
बहुत मजे की आ रही है। अच्छा गाइस अभी देखें मैं क्या करने लगा। Run. बहुत जोर नहीं लग दिया। Run. दो बॉर्डर अभी जो दीवाना बनाए जो 10 रुपये मुझसे चुराए तो क्या हुआ उसे तरह बिनाए हम तो उसकी ज्यादा बेपिदाए भाई क्या हुआ नींद आ रही है और जब हम लोगों को नींद आती है फिर हम ऐसे करते हैं बिलाल क्या हुआ वेलकम बैक एवरीवन। इस वक्त हम लोग हिंजरा आपके रास्ते में हम लोग वापस जा रहे थे हुसैनी ब्रिज और अताबाद लेक की तरफ और उतराई हैं और ऐसे गोल गोल चक्कर हैं उस वजह से इन लोगों को चक्कर आना शुरू हो गए। एक की तबीयत ख़राब होगी और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और नींद आ रही हो तो फिर नींद में बाइक राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता इसलिए फिर ये तीनों लेट गए यहाँ पे। और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मुझे ना कोई चक्कर वगैरह आए हैं और ना ही इतना क्या कहते हैं तबीयत ख़राब हुई है उस वजह से हम लोग फिर अब ये तीनों इधर लेटे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ सामान का भी ख्याल रख रहा हूँ और मेरे पीछे व्यू देखें इसके देख के सारी थकन उतर गई माशाल्लाह इतना प्यारा पहाड़ है 3-4 इकट्ठे हैं।